गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, अल्कोहल किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए, तो हम क्या कहेंगे सबसे पहले कि अल्कोहल में वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कौन सा बंध टूटा, जैसे हम बात करते हैं ये अल्कोहल है आपका कोजोलिनिक प्राइमरी अल्कोहल, मैं बात करता हूँ जिनमें कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज, क्या कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन के कारण हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विदलन के कारण अभिक्रियाएं। और तीसरी हम क्या देखते हैं, ऑक्सीकरण। तीसरी अभिक्रिया कौन सी देखेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस प्रकार अल्कोहल तीन प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहली अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का बंध विदलन होता है। दूसरी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य बंध विदलन होता है। और तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो पहली हेडिंग डाल दें, रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस। क्या हेडिंग डाली, वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का बंध विदलित होता है या टूटता है। देखिए, हम क्या बात करते हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का बॉन्ड क्या होता है, क्लीवेज होता है, टूटता है। तो पहली रिएक्शन की हम बात करेंगे, अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया हेलो अम्लों से करवाने पर, अल्कोहल की अभिक्रिया हेलो अम्लों से करवाने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल हैलाइड। देखिए, हमने क्या कहा कि ये बॉन्ड टूटा और ये क्या बाहर और ये यहां जुड़ी, मैंने क्या कहा कौन सा बॉन्ड टूटेगा। अब बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की, जैसे मैं लूँ CH3CH OH+HCl, जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाई तो हम क्या लेते हैं, निर्जल ZnCl2। क्या लेंगे हम, निर्जल ZnCl2। क्या करना है आपको, यहां से OH हटेगा, यहां से Cl आएगा और क्या बनेगा, CH3CH। अगर मैं बात करता हूं कि ये रिएक्शन मैं HBr के साथ भी करवा सकता हूँ, HI के साथ करवाएंगे तो हम क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए CH2CH2OH है, इसकी रिएक्शन जब हम HI से करवाते हैं, इसकी अभिक्रिया जब हम किससे करवाएंगे, HI से करवाते हैं, तो हम उत्प्रेरक के रूप में क्या लेते हैं, सांद्र H2SO4। हम क्या लेंगे कैटलिस्ट के रूप में, सांद्र H2SO4, और हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, पहली अभिक्रिया की हमने बात की। इस अभिक्रिया में हमने क्या कहा, अल्कोहल की अभिक्रिया हेलो अम्लों से करवाने पर संगत एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हेलो अम्ल लोगे वैसे ही हमें क्या प्राप्त होंगे, एल्किल हैलाइड प्राप्त होंगे, या फिर जिस प्रकार का एल्कोहल लोगे, जैसे हमने 2 डिग्री एल्कोहल लिया तो हमें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ।
हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो हमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए हम पहले पढ़ के आ चुके हैं SN1 रिएक्शन क्या है और SN2 रिएक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि, और अभिक्रिया की क्रियाविधि में हम पहले देखते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन क्या होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं तो वह SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जबकि प्राथमिक अल्कोहल के कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे SN2 अभिक्रिया। क्या होती है SN1 अभिक्रिया? SN1 अभिक्रिया में क्या होता है? कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। SN1 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। और SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। देखिए क्या बात है, SN1 होती है और क्या SN2 होती है। जब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन में मैं क्या कहूंगा, ये मान लीजिए हमारा क्या है, अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवा दी, HCl से, और हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, यहां ले लेना आप ZnCl2, निर्जल ZnCl2। ये कैसे ऑब्टेन हुआ देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, RCr पॉजिटिव, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये OH- बाहर निकलेगा और किसका निर्माण होगा, कार्बो केटाइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? कार्बो केटाइन, कार्ब धनायन का यहाँ निर्माण होता है। अब कार्ब धनायन का निर्माण हुआ है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि यहाँ ये कौन सी स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, ये इसका स्लो स्टेप होता है, ये इसका क्या होता है, स्लो स्टेप, RDS स्टेप भी यही है, ये इसका स्लो स्टेप है और ये ही इसका क्या है, RDS स्टेप है। तो पहले स्टेप में किसका निर्माण होता है, कार्ब धनायन। एक बात और कि हम यहाँ ये कहते हैं कि जितनी कार्ब धनायन की स्टेबिलिटी होती है, क्या कहेंगे, जितनी कार्ब धनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, ये इधर से इधर ज्यादा आएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। अर्थात हम क्या कहेंगे कि यहाँ कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कि कार्बोकेटाइन हमें पता है 3 डिग्री मोर स्टेबल 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो यही अभिक्रिया का क्या होता है, क्रियाशीलता का क्रम, कि 3 डिग्री अल्कोहल अधिक क्रियाशील, फिर 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। ओके, इसके बाद में हम सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन इस पर किसका अटैक होगा, नाभिक किसने, सॉरी Cl- का, किसका अटैक होगा, Cl- का अटैक होगा, और हमें क्या ऑब्टेन होता है, और हमें क्या प्राप्त होता है, तृतीयक क्लोराइड प्राप्त होता है, टर्शियरी क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए तो ये क्या इसकी मैकेनिज्म है, जो ये सेकेंड स्टेप होता है ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, SN1 रिएक्शन, इसके पहले पद में RDS स्टेप में केवल कितने अणु हैं, एक अणु है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन चीजों की बात हो चुकी है पहले। अब देखिए ये तो आपने बात की द्वितीयक या तृतीयक प्रकार के अल्कोहल हो, यदि मैं कहूं कि हमारे अल्कोहल कैसे हैं, प्राथमिक अल्कोहल है,
यदि हमारे अल्कोहल कैसे हैं, प्राथमिक अल्कोहल है, तो प्राथमिक अल्कोहल की जब हम बात करते हैं प्राथमिक अल्कोहल SN1 रिएक्शन ना देके वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, SN2 रिएक्शन, क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल से जो कार्बोकैटायन बनता है वो 1 डिग्री बनेगा, और 1 डिग्री हमें पता है इतना स्टेबल होता नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल SN2 अभिक्रिया देते हैं। और SN2 अभिक्रिया क्या है देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, अब मैं बात करता हूं कि इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवा दूं, इसकी अभिक्रिया जब हम HCl से करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है जो आपका रिएक्टेंट आएगा, रिएजेंट आता है वो कैसा होगा, ये प्राप्त होता है हमें कौन सा अभिक्रमक प्राप्त हुआ, उस प्रकार प्राप्त हुआ, इसको वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, ये हम पढ़ के आए। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो इसका जो पहला स्टेप होता है, इसका जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि ये यहां आक्रमण करता है नाभिक इस नहीं, और हमें क्या प्राप्त होती है एक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है, कैसी कि देखिए Cl तो क्या कर रहा है बॉन्ड बना रहा है और OH क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, OH क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, और हमें क्या प्राप्त होता है जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त होता है, इसी को हम क्या कहते हैं कि हमारे कॉन्फिगरेशन में क्या हुआ, हमारे विन्यास में क्या हुआ प्रतिपन हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं वाल्डन प्रतिपन इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक और एक दो, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं SN2, यहाँ पे किसका निर्माण हुआ संक्रमण अवस्था, और यहाँ क्रियाशीलता क्रम होता 1 डिग्री 2 डिग्री यानी 3 डिग्री। ओके क्या कहा कि यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होता है अभिक्रिया के वेग का ऑर्डर होता है वो क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बात करते हैं क्यों ऐसा है देखिए, मैं क्या कहूंगा कि ये जो अल्कोहल है हमारा, ये जो अल्कोहल है कार्बन, हम क्या मानते हैं ऊपर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ध्यान से देखना इस चीज को, मैं जो कहना चाहता हूं ये कार्बन इसके ऊपर क्या है OH ग्रुप, एक टेट्राहेड्रल, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, मतलब तीन हाइड्रोजन नीचे हैं 1 2 3। अब हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहां से अटैक करता है बैक साइड, तो अगर OH ऊपर है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा बैक साइड नीचे से, तो नीचे उसको कौन मिल रहा है तीन हाइड्रोजन एक दो और तीन, तो वो इजीली अटैक करता है। लेकिन अगर सोचिए यहां पे मैं कोई बल्कि ग्रुप लगाता जाऊं आर, एक बार आर लगाया तो ये 1 डिग्री अल्कोहल अटैक किया, दोबारा दूसरा बल्कि ग्रुप, तीसरा बल्कि ग्रुप, तो क्या ये स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा के कारण इस नाभिक स्नेही को आक्रमण करने देंगे। क्या कह रहा हूं कि यहां अगर मैं बात करूं कि अगर क्या हो जाए आर 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 मतलब 3 डिग्री अल्कोहल हो आपका, तो क्या जनरेट होती है त्रिविम बाधा, तो त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी तो क्या Cl- का अटैक नहीं होगा, और Cl- का अटैक या नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा नहीं, नाभिक स्नेही का आक्रमण नहीं होगा तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, अभिक्रिया की क्रियाविधि सॉरी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा क्रिया कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है अभिक्रिया की क्रियाशीलता कम है, इसलिए हम क्या कहते हैं जब SN2 रिएक्शन होती है तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होती है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। कोई दिक्कत,
ये हमारी बात हुई अल्कोहल्स की, जब हम किससे रिएक्शन करवाते हैं, हेलो अम्लों से अभिक्रिया। अब जब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल की, थायमिल क्लोराइड से अभिक्रिया, और इसको हम क्या कहते हैं, डार्जन प्रोसेस कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डार्जन प्रक्रम कहते हैं। डार्जन प्रक्रम में देखिए क्या होगा, डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस की पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं। होता क्या है कि अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में हम क्या लेते हैं, पिरिडीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था पिरिडीन का, C5H5N, ऐसे ही होता ना पिरिडीन, एरोमेटिक यौगिक है पिरिडीन, क्या है, एरोमेटिक यौगिक है। बात नहीं करेंगे कैसे है, हम बात करते हैं कि अल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, थायोनिल क्लोराइड से करवाने पर हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, से हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड, और SO2 गैस और HCl। यह है एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड होता है। क्या कहेंगे कि एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छी विधि यह है, क्यों है, क्योंकि इस विधि में जो आपका SO2 गैस बनती है, इस विधि में हमारी जो SO2 गैस बनती है वो बाहर निकल जाती है, इवोपरेट हो जाती है, और जो HCl बनता है उसको कौन अवशोषित कर लेता है, पिरिडीन, उसको कौन अवशोषित कर लेता है, पिरिडीन। तो अतः हमारे पास केवल क्या बचता है, एल्किल क्लोराइड। इसलिए यह अभिक्रिया क्या होती है कि एल्किल क्लोराइड को बनाने के लिए अच्छी विधि है। अब बात करते हैं क्या इससे हम एल्किल ब्रोमाइड, क्या कहेंगे, क्या इससे हम एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते, नहीं, इस विधि द्वारा हम केवल क्या बना सकते हैं, एल्किल क्लोराइड। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जो SOBr2 थायोनिल ब्रोमाइड है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। थायोनिल ब्रोमाइड जब अस्थायी है तो यहां लाएं कहां से, और जब यही नहीं आ सकता तो यहां कैसे आएंगे, ओके। और जब बात करते हैं थायोनिल आयोडाइड की, और हम किसकी बात करेंगे, थायोनिल आयोडाइड की, तो ये अभी तक क्या है, अज्ञात है, मतलब ये बनता ही नहीं है। तो इसलिए हम इस विधि से केवल किसका निर्माण कर सकते हैं, इस विधि से हम किसका निर्माण करेंगे, केवल इस विधि द्वारा केवल किसका निर्माण कर सकते हैं, हम एल्किल क्लोराइड का। इस विधि द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे, केवल एल्किल क्लोराइड का। अब देखिए मैकेनिज्म, अब हम किसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि क्या है, छोटी सी मैकेनिज्म है, देखिए होगा क्या कि ये अल्कोहल और ये थायोनिल क्लोराइड, जैसे ही ऑक्सीजन ने यहां अटैक किया ये बाहर, तो H और Cl बाहर हो गया और क्या बना, RO प्लस HCl। हमने क्या कहा,
कि जैसे ही हमने आक्रमण करवाया एल्कोहल का टाइमिल क्लोराइड पर, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्किल क्लोरो सल्फाइड। क्या कहेंगे हम, एल्किल क्लोरो सल्फाइड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एल्किल क्लोरो सल्फाइड पर कौन आक्रमण करेगा, जो ये Cl- निकला है, क्या कहेंगे हम, एल्किल क्लोराइड पर किसका आक्रमण होगा, Cl- का, जैसे इसने Cl- ने यहां किया, ये बॉन्ड टूट के और क्या बन गया हमारे पास, RCl प्लस क्लोरो सल्फाइड। अब देखिए क्लोरो सल्फाइड क्या होगा, ये बॉन्ड यहां और ये बाहर, इससे हमें क्या उत्पन्न हुआ, SO2 प्लस Cl माइनस, क्या प्राप्त होता है हमें, SO2 प्लस Cl माइनस। ओके, वापस Cl माइनस एक और क्लोरो सल्फाइड पर आक्रमण करता है और फिर ये रिएक्शन चलती रहती है। हमारे क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास, ओके, तीन प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास। SO2 गैस को हम क्या कह देते हैं कि ये तो बाहर निकल जाती है, अभिक्रिया से बाहर निकल जाती है, इसके अलावा जो बचता है हमारे पास में, इसके अलावा हमारे पास जो RCl बचता है, HCl को कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, HCl को अवशोषित कर लेता है, कौन, हाँ भाई, HCl को कौन अवशोषित कर लेता है, HCl को अवशोषित कर लेता है पिरिडीन, हमारे पास बचता है केवल एल्किल क्लोराइड, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये अच्छा मेथड होता है एल्किल क्लोराइड को बनाने का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन बात करेंगे, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, हम क्या बात करते हैं, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई है, जब हम बात करते हैं कि अल्कोहल की अभिक्रिया हम PCl3 से करवाते हैं, तो क्या लेते हैं, तीन अल्कोहल के अणु लेंगे और क्या बनेगा, तीन एल्किल क्लोराइड और प्लस H3PO3 या फिर RBr भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म पे, इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे हम, तो देखिए इसकी क्रियाविधि हम कैसे लिखते हैं, देखिए कि ये आपका PCl3 है, इस पर मैं किसकी रिएक्शन करवाता हूं, क्या होगा, अटैक, और क्या बना, आर ओ एच पी सी एल सी एल, और सी एल माइनस क्या हुआ, बाहर निकल गया, हमने क्या कहा, सी एल माइनस क्या हुआ हमारा, बाहर निकल गया, इसको क्या कहते हैं हम, प्रोटोनिकृत, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोनिकृत डाई हेलो डाई क्लोरो कह दो, क्या, प्रोटोनिकृत डाइक्लोरोफॉस्फेट। ओके, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम बात करते हैं कि इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, एक मिनट,